अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हमने मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में हाउ मेनी का कंसेप्ट सीखना है। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को काउंट करना सिखाना है, बच्चे को बताना है कि काउंट करके वो बता सकता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आपके सामने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, गौर से देखो। वाओ, ये क्या है? कैरेट्स, कार्स, और ये टमाटोज, और ये है पोटैटोज। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे पता चलेगा कि ये कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर, तो आप क्या करोगे? आप इन्हें काउंट करोगे, जल्दी से काउंट करके बता दोगे मुझे। चलो मेरे साथ काउंट करो, देखते हैं ये कैरेट्स कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आपने जल्दी से बता देना है कि ये 35 है। इसी तरह आपने कार्स को काउंट कर लेना है। देखो ये कार्स कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये 22 कार्स हैं। तो इस तरह आप मुझे बताओगे कि देयर आर 22 कार्स। जब मैं आपसे पूछूंगी हाउ मेनी कार्स आर देयर, तो आप कहेंगे 22। इसी तरह आपने पोटैटोज और टमाटोज को भी काउंट करना है, और जब आपकी टीचर पूछे हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर, तो आपने झट से काउंट करके बता देना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने काउंटिंग सीख ली है ना, तो अब आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। जी तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। इसी तरह आपने अर्ध-गिर्ध चीजों को भी काउंट करना है। अगर आपको कोई कहे कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितनी है, तो आपने जल्दी से काउंट करके बता देना है कि इतनी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बच्चों। डियर टीचर्स, आपने बच्चों से काउंट करवाना है। लाइक आप बच्चों को रेडी अवेलेबल मटेरियल्स उनके सामने रख सकती हैं, चाहे उन्हें खुद काउंट ना करें, आप उन्हें शफल करके इकट्ठा करके बच्चों के सामने रखते हैं, जैसे कि बॉटल कैप्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, स्ट्रॉज हैं, आप उनको रेंडम इकट्ठा करें और बच्चों के सामने रख दें, और वन बाय वन बच्चों को बुलाएं, उनसे कहें कि बेटा इन्हें काउंट करके बताओ कि ये कितने हैं। बच्चा जो काउंट करके बताएगा उसके ऊपर आपने एतमाद रखना है और उसको लिख लेना है, और उसके बाद उसके साथ मिलकर काउंट करना है। अगर वो सही काउंट नहीं करता, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो उसे कहें कि बेटा इसको ध्यान से दोबारा काउंट करके बताओ ये कितनी हैं, ताकि आपको इस बात की अश्योरिटी हो जाए कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से करेक्टली काउंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।